नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल फिन नॉलेज पे। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया के शेयर को लेकर। कोल इंडिया के शेयर एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया, स्टॉक में अभी गिरावट बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है इसके टारगेट प्राइस देखने की कोशिश करेंगे और जो भी अपडेट्स है स्टॉक को लेकर दोस्तों कोशिश करें पूरा बने रही कभी भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो के अभी शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, स्नैपसी करके आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर में, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, भारी डिस्काउंट एंड कैशबैक देखने को मिल जाता है। वीडियो के नीचे डिटेल्स में हम लोगों ने इसका लिंक देके रखा है, ज़रूर इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और रेटिंग दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। तो कोल इंडिया के शेयर में 6 महीने के अंदर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6 महीने के अंदर कोल इंडिया के स्टॉक में जो हाई प्राइस बनाया वो है 241.70 पैसे का। 241.70 पैसे के यहाँ पे एक हाई प्राइस बनता हुआ दिखा है कोल इंडिया के शेयर में, एंड लो प्राइस दिया है 167.05 पैसे का, रिटर्न जो कि 27.33% का है। वही बात करते हैं वो 3 मंथ के अंदर, तो 3 मंथ के अंदर स्टॉक में जो हाई प्राइस बनाया वो है 241.70 पैसे का, वही है हाई प्राइस। लो प्राइस है 200.90 पैसे का एंड रिटर्न जो कि 19.44% का है। 1 मंथ के अंदर दोस्तों स्टॉक में हाई प्राइस वही है 241.70 पैसे का, लो प्राइस दिया है 210.80 पैसे का, रिटर्न दिया है 11.35% का। एंड दोस्तों यहाँ पे 1 एक के अंदर स्टॉक में जो है लगभग 241 का वही टारगेट जो है वही हाई प्राइस है, 241 का हाई प्राइस दिया है, लो प्राइस दिया है 238.20 पैसे का, रिटर्न 0.73% का है। 1 डे बात करते हैं दोस्तों, तो 1 डे में स्टॉक में जो देख सकते जो ये स्टॉक ओपन हुआ था 240.50 पैसे में एंड इसने हाई प्राइस बनाया 250.95 पैसे का, लगभग 45 पैसे के आसपास जो इसने ओपन होने के बाद रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और यहाँ पे प्रीवियस क्लोज जो कि 240.50 के आसपास था, ओपन प्राइस भी वही है 240.50 पैसा, उसी में ये स्टॉक ओपन हुआ था। एंड इसका जो NSE का वॉल्यूम है दोस्तों, NSE का वॉल्यूम देख सकते 69,76,548 एंड यहाँ पे जो इसका BSE का वॉल्यूम है, तो BSE का वॉल्यूम जो है यहाँ पे वो भी देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम जो है हम लोग को BSE में भी ये स्टॉक का देखने को मिल रहा है, वो है 14,02,815। तो अच्छा खासा वॉल्यूम फिलहाल अभी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो इसका इन्फॉर्मेशन है जो रिजल्ट का है, तो देखिए अभी इसका जो रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट करें कोल इंडिया। फिलहाल अगर देखेंगे तो मार्च 2022 में टोटल इनकम का जो ग्रोथ था वो था 18.60% का, एंड जून 2022 क्वार्टर में जो टोटल इनकम का ग्रोथ था वो था 4.61% का। पेट की बात करते तो मार्च 2022 में 46.83% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला था पेट, जो कि प्रॉफिट और टैक्स होता है, एंड जून 2022 क्वार्टर में 31.97% का जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है दोस्तों, शेयर मार्केट के एनालिस्ट में से ज़्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक में जो है कोल इंडिया के शेयर में एक अच्छा खासा तेज़ी बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो एनालिस्ट शेयर मार्केट के, यहाँ पे 9 ऐसे एनालिस्ट जो लोग कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाई करके चल सकते हैं कोल इंडिया के शेयर में। बाई करने के लिए 8 ऐसे एनालिस्ट है वो कह रहे हैं, होल्ड करने के लिए 2 ऐसे एनालिस्ट है वो कह रहे हैं, सेल करने के लिए 3 ऐसे एनालिस्ट है, 3 ऐसे एनालिस्ट है जो कह रहे हैं। तो फिलहाल अभी स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है, मैं नहीं लगता है दोस्तों कि स्टॉक में अभी फिलहाल सेल करना चाहिए। और यहाँ पे एक टारगेट प्राइस दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है 294 का टारगेट प्राइस है। तो 294 के टारगेट प्राइस के लिए कहा जा रहा है कि कोल इंडिया के शेयर में हम लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। और यहाँ पे ये टारगेट प्राइस दिया गया है ICICI सिक्योरिटीज, जो कि बहुत बड़ा ब्रोकरेज फार्म है। कहा जा रहा है कि बाई कोल इंडिया विथ फॉर ए टारगेट प्राइस 294 ICICI सिक्योरिटीज दोस्तों। तो इसके पहले भी इसको लेकर टारगेट प्राइस दिया गया था, वो ऑलमोस्ट जो है हिट हो चुका है, और हम लोगों ने जो टारगेट प्राइस दिया है ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ICICI सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे एक अपडेट आया है, तो चलिए समझते हैं क्या कहा जा रहा है कि ICICI सिक्योरिटीज इज बाई कॉल ऑन कोल इंडिया विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹294 के लिए यहाँ पे एक टारगेट प्राइस दिया गया है। एंड द करंट मार्केट प्राइस वो हम लोगों ने देखा है दोस्तों, एंड टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट वो बहुत ही ज़रूरी होता है देखना। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई शेयर खरीदते या बेचते उसमें एक टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस होना बहुत ही मतलब रखना पड़ता है उसमें, कोई भी शेयर में जगह हम लोग जब खरीदारी करते हैं तो जो टारगेट प्राइस रखते हैं दोस्तों वो देखना होता है कि वो टारगेट प्राइस कब तक हीट होगा। तो यहाँ पे
यहाँ पे दोस्तों कहा जा रहा है कि ये जो टारगेट प्राइस है आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन कोल इंडिया लिमिटेड प्राइस कैन रीच द डिफाइंड टारगेट प्राइस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो 294 का टारगेट प्राइस है उसके लिए हो सकता है कि आपको 1 साल तक कोल इंडिया के शेयर में होल्ड करना पड़े। तो आपको वो चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप शेयर खरीदते हैं 294 के आसपास का टारगेट प्राइस रखते हैं तो हो सकता है कि उसके लिए आपको 1 साल भी उसमें ये स्टॉक में होल्ड करना पड़ जाए। अगर आप कोई छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चलते हैं दोस्तों, हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी वो हिट हो सकता है। 2-4 रुपये का भी अगर टारगेट प्राइस रखेंगे तो यहाँ पे बहुत जल्दी हिट हो सकता है। अभी एक बहुत ही बढ़िया जो है कंपनी है कोल इंडिया, और बहुत सारे बोल सकते हैं कोल इंडिया को लेके अपडेट्स वगैरह भी देखने को मिलता है, जहाँ पे कोल इंडिया अभी एक नया कोल का जो ये है तो उसको जो है वो लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसका डिमांड अगर देखेंगे मार्केट में, कोल का जो डिमांड है, जैसे बिजली का डिमांड बढ़ रहा है कोल का भी डिमांड बढ़ रहा है, तो कोल इंडिया उसके डिमांड को फुलफिल कर रहा है और फुलफिल करने के लिए उसमें बहुत सारे काम भी कर रहा है, इसीलिए जो है बहुत सारे अपडेट वगैरह हम लोग को देखने को मिल जाता है कोल इंडिया को लेके। तो कोल का डिमांड जैसे ही बढ़ रहा है तो कोल इंडिया का शेयर जो है उसके प्राइस में भी तेज़ी आएगा, और इसमें एक रिजल्ट जो कोल इंडिया का है कि अगर आप देखते क्वार्टरली रिजल्ट तो वो भी अच्छा खासा आएगा। दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कोल इंडिया के शेयर में क्या चल रहा है, कोल इंडिया में क्या चल रहा है, छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हम लोग कह रहे हैं आपको जो है कोल इंडिया का शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।